नमस्कार मित्रों, मैं सचिन भाटीवाड़ स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज यार थोड़ा धीरे बोलूंगा यार मैं। एक्चुअल में मेरा सर दर्द थोड़ा कर रहा है यार। अगर मैं ज़्यादा जोर से बोला तो मेरी नसें यहाँ से निकल आती फिर बाहर, ठीक है? पूरी नींद नहीं हो पाई भाई, रात को भी क्लास थी फिर सो नहीं पाया। तो प्यारे बच्चों, एक बार मिलकर के सारे शेयर करोगे, लाइक करोगे, और अगर आप नए हो तो जुड़ जाइए मेरे साथ। राम राम। चलो हम पढ़ते हैं। राजस्थान के उद्योग धंधे पढ़ रहे थे, थोड़ा धीरे ही पढ़ाऊंगा यार, धीरे बोल के ही, ठीक है? सुन लो ना। तो बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? सीमेंट उद्योग पढ़ लिया था हमने। क्या पढ़ लिया था? सीमेंट उद्योग पढ़ने का काम कर लिया था। अब बात करेंगे सीमेंट उद्योग के बाद में किसकी? आपके सूती वस्त्र उद्योग की। किसकी बात करते हैं? सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान का सबसे पुराना एवं संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, ठीक है? शाबाश। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, और ज्यादातर नदियों के किनारे सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुए हैं। कहां पे? उद्योग केंद्र, जल आपूर्ति के कारण राज्यों का, ठीक है? प्राचीनतम संगठित एवं सबसे बड़ा उद्योग है आपका। कौन सा? ये वाला सूती वस्त्र उद्योग। राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल आपके ब्यावर में, ठीक है? हार्डिंग लगा लो ब्यावर अजमेर की। बात करते हैं ब्यावर अजमेर की। मुक्त नीति, कर मुक्त कपास नीति के कारण राज्य की तीन मिलें सर्वप्रथम यहीं पर स्थापित की गई थी। कर मुक्त, टैक्स फ्री। ब्यावर कहां पर बच्चा? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। कर मुक्त कपास नीति राज्य सरकार के कारण राज्य की प्रथम तीन मिलें स्थापित। प्रथम तीन मिल स्थापित कर दी गई। कितनी? सबसे पहले द कृष्णा मिल। कौन सी? द कृष्णा मिल लिमिटेड, सेठ द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर अजमेर, 1889 में सेठ दामोदर दास मोदी द्वारा स्थापित, ठीक है? सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल, एक बार शेयर कर दो बच्चा, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल। दो नंबर पे आपकी एडवर्ड मिल 1906 में। एडवर्ड मिल 1906 में, और महालक्ष्मी 1925 में। ये तीन मिलें सर्वप्रथम कहां पे स्थापित हुई? ब्यावर अजमेर में। राज्य की पहली मिल 1889 में सेठ दामोदर दास द्वारा द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई। समझ रहे हो? शाबाश बाबू, एक बार शेयर कर दो सारे मिलकर के। विवेक सर की क्लास कल होगी, वो आज नहीं हो पाई यार, गुरुजी थोड़े प्रॉब्लम में थे आज, ठीक? शाबाश, बोलो क्लियर है? द कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर, कहां पे? ब्यावर अजमेर में, ठीक? ये थी। अब बच्चा आपकी पाली में, दो नंबर पे कहां पे? पाली में।
पाली में कौन सी आपके महाराजा उम्मेद मिल लिमिटेड 1942 में, महाराजा उम्मेद सिंह, राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, राज्य की सबसे बड़ी सूतर सूती वस्त्र मिल पाली में, ठीक है। आयुष गलती होगी, माफ कर दे ब्रेवरमान महाराज, माफी दो मन, ठीक है, शाबाश। ये थी पाली वाली। अब बात करते हैं शाबाश, ठीक है, पाली ब्यावर की बात कर ली। अब मिटा रहा हूं इनको, बोलो क्लियर है क्या? आज गुरुजी की एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, मिठाई खिला रहे हैं, बताओ तुम भी खा लो, हैं? बेटा पानी पिलाया थोड़ा, श्रवण विश्नोई कह रहे हैं कि गुरुजी आप छोड़ते बहुत हो, मेरा चांद 44वीं क्लास चल रही है, 4 में टेस्ट हुए होंगे, बाकी 40 के अंदर थ्योरी है, अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना करवा देना तो यार, कैसे कैसे बातें करते रहते हो, इसमें मैं छोड़ रहा हूं यार, हद है यार, मतलब चलो बांसवाड़ा की बात, सॉरी उसकी बात करते हैं, भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा की किसकी बात करते हैं, भीलवाड़ा की बात करते हैं, ठीक है, डन। अरे मेरी हैप्पी मेरी एनिवर्सरी को ना छोरो बो रीजनिंग वाला गुरु जी था क्या नाम बन को शुभम सर, उनकी है भीलवाड़ा, राज्य की वस्त्र नगरी, राज्य की वस्त्र नगरी, सर्वाधिक 7 मिले, सर्वाधिक 7 मील स्थापित, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को, मैनचेस्टर ब्रिटेन वाला, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन, सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन, अब आरएस तो कठिन बना दू तान में, पटवारी की क्लास में, पुलिस की क्लास में, हैं? इतना तो मेरे भी कौन पोटी भाई, कितना आरएस बना दूर है, ठीक है। सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन यही से होता है, ठीक है, ठीक है। 1938 में पहली मिल बनी थी, 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के नाम से, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के नाम से सर्वप्रथम मिल, यह थी यहां की प्रथम मिल, ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की। यहां पर 14 क्या बनी हुआ टोटल स्पिनिंग मिले हैं, क्या आपकी स्पिनिंग मिले कताई वाली स्पिनिंग मिल, तो कुल 14 मिल है, ब्रैकेट में लिख लोगे राज्य में कुल 34 स्पिनिंग मिल है,
राज्य में कुल 34 है, कितनी है 34 स्पिनिंग मिले हैं, और यहां पर कितनी है उनमें से 14 अकेले भीलवाड़ा में स्थित है। अकेले भीलवाड़ा में कितना है, 14 स्पिनिंग मिले स्थित है, ठीक है। 2009 में राज्य सरकार ने इसे भीलवाड़ा को 2009 में राज्य सरकार ने वस्त्र नगरी का दर्जा दिया, वस्त्र नगरी का दर्जा दिया। भीलवाड़ा को 2009 में वस्त्र नगरी का दर्जा मिला था, किसका, आपके क्लोथ्स सिटी का, वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया था राज्य सरकार द्वारा। राज्य का एकमात्र कंप्यूटर एडेड पावरलूम डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में स्थित है, कंप्यूटर एडेड पावरलूम डिजाइन सेंटर कहां पर, आप भीलवाड़ा में, कहां पर है भीलवाड़ा में, डन, कहां पर है भीलवाड़ा में, ठीक है। कहां पे है भीलवाड़ा में, कंप्यूटर एडेड पावरलूम डिजाइन सेंटर एकमात्र राज्य का भीलवाड़ा में स्थित है। अब देखो सहकारी क्षेत्र की 3 कताई मिले बताता हूं, राज्य में सहकारी क्षेत्र की कोऑपरेटिव सेक्टर की 3 सहकारी मिल है राजस्थान में, जिनको 1993 में एक मिला करके क्या बना दिया गया था, स्पिन फेड बना दी गई थी, क्या बनाई गई थी, स्पिन फेड बना दी गई थी, स्पिन फेड राज्य सरकार का, शाबाश। ठीक है, 14 स्पिनिंग मिले हैं टोटल यहां पर। 1938 में पहली मिल बनी थी जिसे मेवाड़ टेक्सटाइल मिल का नाम दिया गया था। राजस्थान में टोटल 34 स्पिनिंग मिले हैं, राज्य सरकार ने 2000 में इसे वस्त्र नगरी का दर्जा दिया। सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, सर्वाधिक 7 मील है यहां पर भीलवाड़ा में। राज्य की तीन सहकारी क्षेत्र की मिले भाई, एक बार रुको, साई खत्म हो गई, साई खत्म हो गई, एक सेकंड रुक जाओ, बस डाल लेता हूं एक बार में। और बताओ बेटा, बहुत डीप करवाना रही हूं, ज्यादा केक रहूं, जान ले सो के मेरी, ठीक है, जल्दी है मेरी भी, चिंता मत करो, होगी ना बता दूंगा, फिर राजनीति मत करो, ठीक है, सुन लो। तो 3 मील है, 1, 2 और 3, 3 मील है सहकारी क्षेत्र की, कौन कौन सी, आपकी राजस्थान सहकारी कताई मील, राजस्थान सहकारी कताई मिल, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। कब स्थापित हुई थी ये, 1965 में। दो नंबर पे गंगानगर, कौन सी आपकी, गंगानगर सहकारी, अच्छा 3 नंबर पे लिख दिया गया इसको, 2 नंबर छोड़ दिया, 1978 में होती है इसलिए 2 नंबर पे, फिर 1981 में गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में, कहां पर, हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, ठीक, 1978 में। और लास्ट वाली आपकी 1981 में स्थापित कौन सी आपकी, गंगापुर सहकारी कताई मिल गंगापुर भीलवाड़ा में,
1981 में, 1 अप्रैल 1993 को तीनों को मिलाकर स्पिन फेड बना दी गई। 1 अप्रैल 1993 को तीनों को मिलाकर स्पिन फेड बना दी गई, स्पिन फेड, ठीक, क्या बना दी गई? SPWN। स्पिन फेड बना दी गई, ठीक है, डन, समझ गई, शाबाश, ठीक है। 1978 में, एक 1981 में और एक 1965 में। ये था बच्चा आपका सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का, राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, शाबाश। क्लियर, चलिए हटा रहा हूं इसको मैं, अब तीनों सूती वस्त्र उद्योग पूरा है। अब बात करूंगा कांच उद्योग कर लो चाहे चीनी उद्योग कर लो, चीनी उद्योग कर लो पहले, चीनी उद्योग, ठीक है, हैशटैग लगा के लिख लो चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। राजस्थान में 4 मिल है चीनी उद्योग, राजस्थान में कितनी मिले हैं? 4 मिल है। पूर्णतः कच्चे माल, कच्चा माल उद्योग होता है भाई, गन्ना या चकुंदर नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, चीनी कहां से बनाओगे? तो पूर्णतः कच्चे माल वाला उद्योग है, इसमें कच्चा माल चाहिए ही चाहिए तुम्हें रॉ मटेरियल में, ठीक है। तो राजस्थान में 4 मिल है। सबसे पहले एक नंबर पे बात करते हैं गंगानगर स्टेट शुगर मिल्स लिमिटेड, गंगानगर स्टेट शुगर मिल्स लिमिटेड, मिल्स लिमिटेड कहां पे? गंगानगर में, गंगानगर यार, गंगानगर स्टेट शुगर मिल्स, और दोनों को साथ ही पढ़ लो। ये पहले, इससे पहले वो बनी है आपकी, कौन सी आपकी? द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, ये 1932 में स्थापित हुई थी, राजस्थान की प्रथम वर्तमान में बंद है। ये 1937 में स्थापित हुई थी, ये भी निजी क्षेत्र की थी, ये किसकी थी? ये भी निजी क्षेत्र की थी, सुनो, ये भी निजी क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की। और गंगानगर स्टेट शुगर मिल्स लिमिटेड भी कैसी है? निजी क्षेत्र की है। ये कहां पर है? द मेवाड़ भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर में 1937 में, निजी क्षेत्र की, गंगानगर में, ठीक है भाई। सबसे पहले एक नंबर ये लिखो, एक नंबर पे इसकी बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ो एक मिनट तुम। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड 1932 में स्थापित राजस्थान की प्रथम चीनी मिल, कहां पर? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, निजी क्षेत्र की मिल थी, वर्तमान में बंद पड़ी है। क्लियर है 1932 में, 1932 में, 1945 के वह है,
बिहारी बॉय राजू, ओए राजू बिहारी दो थप्पड़ लगाऊंगा तेरे खींच के। 1937 में बनी थी ये और 1956 के अंदर इसका निजीकरण हो गया था। 1968 के अंदर इसको अनुदान मिला था चकुंदर से चीनी के लिए। ठीक है, राजनीति मत करो, सारी बात बता रहा हूं। द मेवाड़ सुगर मिल्स लिमिटेड, क्लियर, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ की, यह 1937 में स्थापित हुई थी। ठीक है, 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा, सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा 1968 में चकुंदर से चीनी बनाने का एशिया का प्रथम प्रयोग यहीं पर हुआ। एशिया का प्रथम प्रयोग यहीं पर हुआ 1968 में एशिया का चकुंदर बनाने का सबसे पहला प्रयोग यहीं से हुआ। और यह एशिया से चकुंदर से चीनी बनाने का सफल प्रयोग था पहला संपूर्ण एशिया में। चकुंदर से चीनी बनाने का सबसे प्रथम प्रयोग कहां पर हुआ? गंगानगर स्टेट सुगर मिल्स लिमिटेड, गंगानगर में। भाई ये जो आपकी है इसके अधीन चार शराब कारखाने, कितने हैं? चार शराब कारखाने, कितने कारखाने? चार हैं। पहला अंता 12 में, कहां पर? अंता 12 में। दूसरा जोधपुर में, तीसरा प्रतापगढ़ में और चौथा अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। ठीक, चार शराब खाने इसके तहत बने हुए हैं, शराब बनाने के कारखाने। शाबाश, हो गया भाई, शाबाश। ठीक है, बोलो क्लियर, समझ गए? ठीक है, समझ गए? एक बाबू पूछ रहे स्पिन फेड के बारे। देखो स्पिन फेड का अर्थ होता है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड। एक संघ होता है जिसमें स्पिनिंग का संघ बनाया जाता है, उन तीनों मिलों को बना के। स्पिनिंग होता है कताई को कहते हैं, कताई को, कातना, किसको? कातने को। इज दैट क्लियर? ठीक है, डन। शाबाश, चलो फिर, बहुत शानदार, क्लियर। कोई डर डर को लगा है, चुपचाप रो, मैं देख लूंगा, पेपर का डर नहीं लगना चाहिए। चलो अब केशव राय पाटन बूंदी वाली, कौन सी आपके? केशव राय पाटन बूंदी वाली मिल, तीन नंबर पे कौन सी? केशव राय पाटन, केशव राय पाटन बूंदी वाली, कौन सी आपके? बूंदी की, केशव राय पाटन सुगर मिल बूंदी। केशव राय पाटन सुगर मिल्स कहां पर? बूंदी में। 1965 में बनी थी, 1965 में, वर्तमान में बंद पड़ी है स्थापना। ये आपके कोऑपरेटिव सेक्टर की मिल थी, सहकारी क्षेत्र की मिल, कोऑपरेटिव सेक्टर की। ठीक है, ये भी बंद पड़ी है, तीसरी तो हो गई है, चौथी लास्ट केशव राय पाटन के बाद कौन सी जो ये वर्तमान में बंद है? उदयपुर सुगर मिल्स लिमिटेड, उदयपुर सुगर मिल्स लिमिटेड उदयपुर में, वर्तमान में बंद है, 1974 में बनी थी, वर्तमान बंद, ये भी वर्तमान में बंद है, दोनों बंद पड़ी है, वर्तमान में दोनों बंद पड़ी है।
समझ गए? पिछले पढ़ो बेटा विष्णु जांगिड, पहले पिछली वाली क्लासें पढ़ के आओ सारी। शाबाश। चीनी उद्योग केशव राय पाटन बूंदी में और उदयपुर सुगर मिल्स लिमिटेड उदयपुर में, जो 1974 में बनी थी, वर्तमान में बंद पड़ी है। शाबाश। ठीक है, अब बात करते हैं आपका ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग। कांच उद्योग कांच उद्योग ग्लास इंडस्ट्री। ठीक हाँ बेटा, समझ गया विष्णु एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु जांगिड़, कांच उद्योग, कौन सा उद्योग? कांच उद्योग, कांच उद्योग, ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री सिलिका सैंड के कारण पूर्वी जिलों के अंदर सबसे ज्यादा केंद्रित उद्योग है, सिलिका सैंड उपलब्धता के कारण। सिलिका सैंड के कारण राज्य के पूर्वी जिलों में, किसमें? राज्य के पूर्वी जिलों में कांच उद्योग पाया जाता है। समझ गए? सबसे प्रमुख केंद्रों में एक नंबर पे बात करता हूं धौलपुर की। धौलपुर की किसकी बात करता हूं? धौलपुर की, जिसमें पहली है द धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। द धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री निजी क्षेत्र की है भाई। उत्पादन शराब की बोतलें बनती है, 1000 टन कांच वार्षिक बनता है यहां से, 1000 टन कांच वार्षिक। निजी क्षेत्र की है ये, प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र की। 1000 टन वार्षिक उत्पादन, वार्षिक उत्पादन। स्थापना 1968 में द धौलपुर ग्लास फैक्ट्री 1968 में। शराब की बोतलें यहां से क्या बनती है? शराब की बोतलें, क्या बनती हैं? शराब की बोतलें बनती हैं। दो नंबर पे धौलपुर प्रिजन ग्लास फैक्ट्री, कौन सी आपकी? द हाई प्रिजन ग्लास वर्क्स, द हाई ग्लास प्रिजन वर्क्स लिमिटेड धौलपुर, कहां पर? ये भी धौलपुर में है। ठीक है, कहां पर है? धौलपुर में। ये गंगानगर स्टेट सुगर मिल्स लिमिटेड की सह संस्थान है। ठीक है, धौलपुर में। यहां से उच्च श्रेणी का कांच बनता है, उच्च श्रेणी का कांच बनता है। और यह भी किसके अधीन काम करती है? यह गंगानगर स्टेट सुगर मिल्स के तहत, मिल्स के अधीन कार्य करती है ये ब्रांच, अधीन कार्य करती है। द हाई क्लास, द हाई ग्लास प्रिजन वर्कर्स लिमिटेड धौलपुर, द हाई क्लास प्रिजन वर्कर्स। ठीक है बच्चा, समझ गए? नंबर तीन पे द सिमकोर ग्लास फैक्ट्री, द सिमकोर, द सिमकोर ग्लास फैक्ट्री, द सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में, कहां में? कोटा में। क्या बनते हैं? टीवी के पिक्चर ट्यूब बनते हैं, द सिमकोर ग्लास फैक्ट्री। क्या बनते हैं? टीवी के। एक खरे बूंदी वाली 1970 में है, कौन सी? केशव राय पाटन बूंदी 1965 है। थप्पड़ मार दूंगा खींच के दो, बिना मतलब की जिद मत किया करो कोई बकवास किताबों के आधार पर यार। वैसे ही मैं डाटा 10 बार जांच करके आता हूं यार, बिना मतलब में जिद कर लेते हैं। बूंदी वाली 70 70 70 40 कमेंट कर दिया, 1965 है, कहीं मिला लेना चाहिए, कहीं मिला लेना, बिना फालतू का गुस्सा मत दिलवाया करो यार। सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा, टीवी के पिक्चर ट्यूब बनते हैं। क्या बनते हैं? टीवी के पिक्चर ट्यूब बनते हैं।
शाबाश बेटा आरती बैरवा, हाथ जोड़ू तेरा के कोन्या 1970 बाबू, बाबू मान यार टाबरा के सिर में आग गल रही है मेरी, यही समझ मेरी। ठीक है 1965 ये बेटा गोना गलत होना, मैं दोबर जांच करे। सिमकोर ग्लास वेगन फैक्ट्री, अब एक लास्ट क्लास सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, फ्रांस की है बा, और बा धौलपुर में स्थापित करी गई 25 अगस्त 2010 में, सॉरी कैरानी भिवाड़ी के अंदर द। तो इनको हटा देता हूं मैं, लास्ट ग्लास फैक्ट्री करते हैं चौथी कांच की फैक्ट्री। कांच की फैक्ट्री अगली, ठीक कौन सी आपकी, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, कैरानी अलवर फ्रांस की कंपनी, कहां की कंपनी है ये, फ्रांस की कंपनी है, तो विदेशी उपक्रम है सरकार आपके राजस्थान में, ठीक है। 25 अगस्त 2010 को करार तो 2008 में हो गया था, उस शुभारंभ हुआ था, उद्घाटन अशोक गहलोत द्वारा 2008 में करार हुआ था, 2010 में बनकर तैयार हुई फैक्ट्री सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहरानी अलवर, कहां पे आपके कहरानी अलवर में, शाबाश। ठीक है बच्चा, ठीक है शाबाश, बोलो क्लियर है, ठीक है। एक घंटों की और क्लास लूंगा कोटा डोरियार और भी कई उद्योग कराऊंगा, एक मन चाहतो तो आज कंप्लीट कर सको, लेकिन मैंने सोचा कि कल एक घंटा और लूंगा, कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा यहां से, ठीक है। कल क्या वार हो जाएगा, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कैरानी अलवर में, कहां पे कैरानी अलवर के अंदर स्थापित है, डन, कांच उद्योग हो गया। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर रासायनिक उद्योग, कौन सा आपका, या उर्वरक उद्योग कौन सा, ठीक है उर्वरक तथा रसायन उद्योग, रसायन तथा उर्वरक उद्योग जलापूर्ति पर निर्भर करता है, इसलिए कोटा वगैरह में ज्यादातर है आपके चंबल के आसपास के एरिए में, ये ज्यादातर आपका है कौन सा, ये वाला चंबल के आसपास के एरियो में, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान साल्ट एंड केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है राजस्थान साल्ट एंड केमिकल लिमिटेड, कहां पर, डीडवाना राजस्थान में राज्य का प्रथम रासायनिक संयंत्र कब बना आपके, 1964 में, 1964 में। यहां पे मुख्य रूप से H2SO4 का उत्पादन, अमोनियम सल्फेट का उत्पादन और आपके सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है। फिर आपका चंबल फर्टिलाइजर्स गड्डेपान कोटा में, कहां पे, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
गड्डे पान कोटा राज्य का सबसे बड़ा संयंत्र रासायनिक और उर्वरक उद्योग का सबसे बड़ा संयंत्र राज्य का सबसे बड़ा संयंत्र तीन नंबर पे कौन सा आपका ये वाला श्रीराम फर्टिलाइजर्स कोटा में। मेरा एक दोस्त था, उसने MNIT से वो की थी इंजीनियरिंग, मेरे साथ पढ़ता था 12th क्लास में वो, ठीक है। तो जब वो उसकी BTEC पूरी हुई तो उसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था MNIT से, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजस्थान जयपुर से, ठीक। तो MNIT से उसका प्लेसमेंट हुआ इसमें श्रीराम फर्टिलाइजर्स कोटा में। उसका था 20 लाख रुपए के पैकेज पे था वो, 11th मंथ के पैकेज पर 20 लाख, 1.5 लाख से ज़्यादा होगी शायद सैलरी, 1.5 से भी ज़्यादा होगी, 1.5-2 लाख रुपये। उसने थोड़े दिन वाक की, अब पैसे बहुत होते हैं, 20 लाख रुपये मिडिल क्लास के पास, हमें एक साल के 20 लाख रुपये मिल जाएँ तो हम आसमान के तारे तोड़ लाएँ, काफ़ी रुपये हो गए 20 लाख। तो उसने 1.5 साल नौकरी की, ठीक है। जब वो BTEC पास आउट हुआ तब मैं भी निकला था मेरी कॉलेज वॉलेज पूरी करके, फिर संपर्क नहीं हो पाया उससे, ना मेरा हो पाया। फिर रिसेंटली मैं दिल्ली आया 1.5 साल पहले, तो मेरे संपर्क में आया, तो उसने नौकरी छोड़ दी थी वहाँ से, वो फेसबुक पे मिला मुझे ऐसे ही। फिर मैं कहाँ आजकल, बोल मैं दिल्ली हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, मुखर्जी नगर ही मैं रहता था यहाँ पे 1.5 साल पहले। तो उससे मिला मैं, तो वो जीवन में तंग सा था थोड़ा, नौकरी वोकरी कर ली, पैसे वैसे खूब आ गए, अब वो तैयारी करना चाहता था, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद आ गई यार उसके अचानक से, छोड़ छाड़ के चला गया होगा शायद मे भी, क्योंकि उस टाइम पर तंग आ रहा था यार, पढ़ना बहुत बुरा होता है, बचपन अलग चीज़ थी, अब तो और भी ज़्यादा बहुत, जब जब कॉलेज वॉलेज से आदमी निकल जाता तो उसके दिमाग के अंदर और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो पढ़ा नहीं जाता भाई अब, है ना। तो वो आया था तैयारी करने, परेशान सा ही रखा था, बोले यार मैंने नौकरी छोड़ के गलती की, मगर गलती काहे की, दोबारा पकड़ ले, ठीक है, नौकरी तो तुझे मिल जाएगी, तेरी डिग्री है वो, तो इसमें नौकरी करता था वो चंबल फर, इसमें श्रीराम फर्टिलाइजर्स कोटा में, ठीक है, ठीक है। एक DAP का भी है गड्डेपान में, DAP का, यहां पे लिखोगे 4 नंबर पे, डीएपी संयंत्र। डीएपी क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट डालते हो ना आप, अरे गेहूं वेहूं के अंदर बिजाई करते हो डीएपी की, पहले वो डीएपी संयंत्र डाई अमोनियम फास्फेट, ये गड्डेपान कोटा में है, ये भी कहां, गड्डेपान कोटा के अंदर स्थित है, कौन सा आपका डीएपी संयंत्र। एक अन्य संयंत्र की स्थापना कपासन चित्तौड़गढ़ में भी हुई है, डीएपी का अन्य संयंत्र कपासन चित्तौड़गढ़ में, कहां पर, कपासन चित्तौड़गढ़ में, ठीक। सर आगे क्या हुआ? अब पता नहीं वो चला गया होगा यार, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, अगर होगा तो यही तैयारी कर रहा होगा, और चला गया होगा तो नौकरी करने लग गया होगा किसी दूसरी कंपनी में वो, ठीक है, हो गया। चलो शाबाश, कल होगी कपासन चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित है, ठीक है। और एक रॉक फॉस्फेट का संयंत्र भी लगा भाई, रॉक फॉस्फेट का संयंत्र, यहां लिख लो 5 नंबर इस डब्बे में लिखेंगे, यहां पे रॉक फॉस्फेट संयंत्र झामरकोटड़ा उदयपुर में रॉक फॉस्फेट संयंत्र झामरकोटड़ा उदयपुर में, ठीक है बाबू। खाने में भी डालते हैं DAP, अरे ना बेटा, गेहूं से पहले बिजाई की जाती है DAP की, किसकी, DAP की, ठीक है। देखो
देखो राजस्थान के अंदर औद्योगिक संस्थाएं हैं कुछ, रिको, RFS, राजस्थान फाइनेंस, RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, आपकी रिको, राजस्थान इंडस्ट्रिकल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, तो उनके बारे में बताऊंगा तुम्हें मैं कल की क्लास में। BPI, रूडा, रिको, RFC, उनके बारे में बात करेंगे, कहां कहां उनके मुख्यालय हैं, कब स्थापित हुई थी। फिर राजस्थान के कुछ क्या करेंगे, राजस्थान की कुछ उसकी बात करेंगे मेरे बाबू, किसकी बात करेंगे यार, दिमाग ही नहीं चल रहा तो। अरे कुछ अन्य उद्योगों की बात करेंगे, स्कूटर बनाने का कारखाना कहाँ पर है, मोटरसाइकिल बनने का कारखाना कहाँ पर है, और भी कई सारी, कोटा डोरिया के क्या किसके लिए फेमस है, साड़ियों के लिए फेमस है, ब्लू पोल्ट्री कहाँ की, मीनाकारी कहाँ की, GI टैग किस किस को मिला है, GI टैग है ना, तो उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे भाई आज कल की क्लास में, ठीक है। रिको कोटा में है, बिल्कुल बच्चा। राजस्थान उद्योग केंद्र उदयपुर में, इंडस्ट्रियल सेंटर, राजस्थान उद्योग केंद्र, राजस्थान वित्त निगम, बोर्ड ऑफ परमिशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नीतू बेटा आ जाएगा जब जब से, ठीक ठीक है, तो 45 होगी, वैसे भी 5 मिनट ही और बची थी, कल करवाऊंगा इस टॉपिक को पूरा, और भी कई स्टैटिक चीजें करवा दूंगा यहां से, ठीक है, कल करेंगे पूरा इसको बाबू, है ना। और कोई बात हो तो ऑफलाइन कमेंट करके तुम मुझसे पूछ सकते हो, रात को मिलते हैं करंट वाली क्लास में, वो राजस्थान के युद्धों वाली क्लास में, करंट को बदल दिया उसको, ठीक है। और आपके पॉलिटी में पढ़ रहे हैं हम लोग, राजस्थान का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट राजस्थान पढ़ रहे हैं, नियुक्ति हो गई थी, आज पढ़ेंगे बाबू उससे आगे का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, सारी क्लासें रेगुलर किया करो, आगे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है उसको भी रेगुलर किया करो, और उसके बाद इंग्लिश की क्लास को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर हंसते रहो, फिर साथ मुझे मैथ वाली जरूर लेना ना, चलिए फिर हंसते रहो मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, थैंक यू, धन्यवाद।